डियर स्टूडेंट, मैं प्रेमाराम चौधरी, प्रवक्ता यांत्रिकी, राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय जोधपुर। आज हम डिप्लोमा थर्ड ईयर के सब्जेक्ट ME 301 रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, प्रशीतन एवं वातानुकूलन के फर्स्ट यूनिट प्रिंसिपल्स ऑफ रेफ्रिजरेशन के अंदर, रेफ्रिजरेशन क्या है उसका इंट्रोडक्शन, एप्लीकेशन ऑफ रेफ्रिजरेशन, प्रशीतन के अनुप्रयोग और साथ में कोफिशियंट ऑफ परफॉर्मेंस के बारे में अध्ययन करेंगे। रेफ्रिजरेशन क्या है, जैसा कि हम जानते हैं इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, तो मानव जो है उसको गर्मियों में जो है आराम के लिए अधिक ठंडे जगह की आवश्यकता होती है। खाद्य पदार्थ जो हैं हमारे, उनके लिए जो टेम्परेचर है वो हमें लो टेम्परेचर चाहिए ताकि वो उनका भंडारण हम जो है स्टोरेज कर सकें। पीने का पानी हमें मान लो ठंडा चाहिए, और उसके अलावा भी बहुत से एप्लीकेशंस हैं जो आगे हम पढ़ेंगे। इन्हीं एप्लीकेशंस को, अनुप्रयोगों को या लो टेम्परेचर जो मेंटेन करने के लिए हमें रेफ्रिजरेशन, प्रशीतन की आवश्यकता होती है। तो प्रशीतन होता क्या है उसे हम देख लेते हैं। तो किसी बंद स्थान के तापमान को चारों ओर के वातावरण के तापमान की अपेक्षा कम बनाए रखना प्रशीतन या रेफ्रिजरेशन कहलाता है। तो रेफ्रिजरेशन इज़ डिफाइंड एज द साइंस ऑफ मेंटेनिंग द टेम्परेचर ऑफ अ पर्टिकुलर स्पेस लोअर देन द सराउंडिंग्स। यानी कि रेफ्रिजरेशन, यानी कि कोई स्पेस मान लो पर्टिकुलर, ये स्पेस है, इस स्पेस का तापमान सराउंडिंग का जो बाहर का जो है उसके तापमान से कम जो है मेंटेन करना रेफ्रिजरेशन कहलाता है। जो डिवाइस इस प्रोसेस के लिए या रेफ्रिजरेशन के लिए यूज़ होती है उसे रेफ्रिजरेटर या प्रशीतक कहते हैं। और जिस साइकिल पे भी, जैसे हमने सेकेंड ईयर में पढ़ा था, ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल, जूल ब्रिटन साइकिल, कार्नोट साइकिल, उस तरीके से जिस साइकिल पर रेफ्रिजरेशन प्रोसेस बेस होता है उसे रेफ्रिजरेशन साइकिल कहते हैं। प्रशीतन की जो प्रोसेस है, क्रिया है, उसे हम इस तरीके से एक ब्लॉक डायग्राम, सॉरी जो बॉक्स डायग्राम दे रखा है उससे भी हम समझ सकते हैं कि जैसे कि इस डायग्राम बताया गया है कि ये जो स्पेस है वो रेफ्रिजरेटर स्पेस है जहाँ का तापमान हमें कम रखना है। तो कम रखने के लिए हम ये चाहेंगे कि ऊष्मा का जो बाहर की तरफ जो डेल्टा क्यू जा रहा है वो कम से कम ज़ीरो हो। तो इसके लिए हमने कुचालक जो दीवार है वो यूज़ की है। अब क्या होगा कि जब हम रेफ्रिजरेटर स्पेस है जिसका एक पर्टिकुलर टेम्परेचर चाहते हैं, तो कुचालक दीवार हम कैसे भी यूज़ करें उसकी एफिशिएंसी जो है वो 100% नहीं होती। उसके अंदर से कुछ ना कुछ हीट लॉस हमेशा होगा ही। उसको यदि हम नेग्लिजिबल मान लें, तो अच्छा कुचालक हम यदि यूज़ करते हैं तो अच्छा कुचालक है, मान लो लॉस है वो कम से कम है। अब यहाँ का जो तापमान है हम जो भी मेंटेन करना चाहते हैं, मान लो 0 डिग्री मेंटेन करना चाहते हैं, तो हमने यहाँ से ऊष्मा जो है इस तरीके से यहाँ सारी निकाल दी है कि टेम्परेचर अभी 0 डिग्री है। लेकिन होगा क्या, कुचालक दीवारों से कुछ न कुछ ऊष्मा का अंतर प्रवाह जो है अंदर की तरफ जो हीट जो है वो फ्लो होगी। हम सभी जगह से देख रहे हैं कि चारों ओर से क्या होगा, हीट जो है वो अंदर की तरफ फ्लो होगी। तो जैसे जैसे हीट फ्लो होगी जो टेम्परेचर है वो बढ़ना स्टार्ट होगा। 0 डिग्री से मान लो 1 डिग्री 2 डिग्री इस तरीके से बढ़ता गया। हम चाहते हैं उसका टेम्परेचर 0 डिग्री ही रहे, तो हमें जितनी क्वांटिटी जो है हीट की अंदर की तरफ फ्लो हुई है नेचुरल लॉ से, उतनी की उतनी क्वांटिटी हमें वहाँ से वापस से बाहर निकालनी होगी ताकि वहाँ का तापमान स्थिर रह सके, यानी कि 0 डिग्री जो हम चाहते हैं वो रह सके। तो डेल्टा क्यू मान लो हीट अंदर की तरफ सप्लाई हुई है, तो उतनी की उतनी हीट हम क्या करेंगे, किसी युक्ति के द्वारा यहाँ से रेफ्रिजरेटर स्पेस से एक्सट्रैक्ट करके हम बाहर की तरफ निकालेंगे। तो इसके लिए कोई ना कोई बाहरी जो मैकेनिकल डिवाइस या कोई दूसरा डिवाइस की आवश्यकता होगी, और उसके लिए हमें कार्य करना होगा। जैसा कि सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है, जिसमें क्लॉसियस का स्टेटमेंट कहता है कि यदि हम लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की तरफ ऊष्मा का यदि हम प्रवाह करना चाहते हैं तो हमें बाह्य कार्य की आवश्यकता होगी। हम जानते हैं कि नेचर में जो हीट फ्लो होती है वो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ
हमेशा फ्लो होती है। और हम यदि इस प्रोसेस को उल्टा करना चाहें, यानी कि कम तापमान से अधिक तापमान की तरफ ऊष्मा का यदि प्रवाह चाहते हैं, तो हमें बाह्य कार्य करना होगा। यही सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है। तो रेफ्रिजरेशन जो प्रोसेस है वो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के क्लॉसियस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ही है कि इसके अंदर क्या होगा कि हमें किसी पर्टिकुलर स्थान का तापमान कम मेंटेन करना है, तो हम क्या करेंगे, उस स्थान से हमेशा क्यू हीट जो है वो अवशोषित करके सराउंडिंग के अंदर हमेशा हम थ्रो करेंगे, इसको बाहर फेंकेंगे, तो वहाँ का तापमान कम होता जाएगा। और इसके लिए हमें इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल इनपुट देना होगा, जो कि जैसा कि घरों में जो फ्रिज है उसमें हम देखते हैं कि कंप्रेसर को चलाने के लिए हम लाइट सप्लाई रेफ्रिजरेटर में देते हैं तो वो वर्क करता है। तो इस तरीके से रेफ्रिजरेशन ने हमने पढ़ा कि कोई भी पर्टिकुलर स्थान का तापमान कम बनाए रखना जो है रेफ्रिजरेशन कहलाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि ये जो हम सब्जेक्ट क्यों पढ़ रहे हैं, तो हम जानते हैं कि अपने आसपास बहुत सी जगह जो हैं मैक्सिमम जगह पे, हर जगह पे रेफ्रिजरेशन की आवश्यकता दैनिक जीवन में होती है, तो उन ही आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हमें रेफ्रिजरेशन की आवश्यकता होगी। और टेक्निकल के अंदर हमें जो मैकेनिकल डिवाइस लगाएंगे उनकी आवश्यकता, उनकी मेंटेनेंस की आवश्यकता होगी, और हमें ये जो डिप्लोमा पॉइंट ऑफ व्यू से सब्जेक्ट है वो इम्पोर्टेंट है। तो हम देखते हैं नेक्स्ट प्रशीतन के अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ रेफ्रिजरेशन। तो रेफ्रिजरेशन का मैंने आपको बताया कि मैक्सिमम जगह पे हम अपने आसपास देखेंगे तो सब जगह लगभग रेफ्रिजरेशन जो है प्रशीतन का यूज़ होता है। तो यहाँ कुछ उसके अनुप्रयोग मैंने बताए आपको। फर्स्ट है दैनिक जीवन में कई क्षेत्रों में जो है रेफ्रिजरेशन बहुत उपयोगी है, जो निम्न है। फर्स्ट है पीने के पानी के लिए एवं शीतल पेय में, कोल्ड ड्रिंक्स जो हैं उनको हमें जो है टेम्परेचर कम चाहिए, पानी पीने का जो है ऑफिस वगैरह में, तो उसके लिए हमने स्टोरेज टाइप जो वाटर कूलर लगा रखे हैं उसके अंदर हमें रेफ्रिजरेशन की आवश्यकता होगी ताकि हम ठंडा पानी मिल सके। बी जो पॉइंट है इसके अंदर हमें है खाद्य सामग्रियों के परिवहन एवं भंडारण में, तो हमें जो फूड है उनको स्टोरेज करना है या उनको ट्रक या किसी भी ट्रांसपोर्ट में हम यहाँ से वहाँ दूसरी जगह ले जाते हैं, तो उन ट्रक के अंदर वही टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए रेफ्रिजरेशन की आवश्यकता होती है, क्योंकि फल सब्जी मांस मछली इनको यदि पर्टिकुलर टेम्परेचर पे नहीं रखेंगे तो ख़राब हो जाएंगे। और खाद्य सामग्री के जो आयात निर्यात के परिवहन है उनके लिए भी, और ये खाद्य सामग्री के भंडारण है भंडारण के लिए भी और परिवहन दोनों के लिए रेफ्रिजरेशन की आवश्यकता होती है। फिर लिखा हुआ चिकित्सा के क्षेत्र में, तो हम जानते हैं ब्लड है उसका जो स्टोरेज है, ब्लड को स्टोरेज करने के लिए पर्टिकुलर टेम्परेचर चाहिए, उसके स्टोरेज के लिए भी हमें एक रेफ्रिजरेशन की आवश्यकता होती है। दवाइयों के निर्माण के लिए पर्टिकुलर कुछ दवाइयाँ हैं जो कि एक स्पेशल टेम्परेचर पर ही बनती हैं, टेम्परेचर अधिक होने पर वो ख़राब हो सकती हैं, तो हमें रेफ्रिजरेशन की आवश्यकता होगी। उसके साथ साथ फिर लिखा है जो वातानुकूलन जो है आराम वातानुकूलन के क्षेत्र में, होटल है, भवन है, कार्यालय है, सिनेमा है, चिकित्सा जो है, उन सभी में एयर कंडीशनिंग जो हमें करनी होगी। हम देखते हैं आजकल इन सभी स्थानों पर एक जो टेम्परेचर है वो मानव आराम के लिए जो है ह्यूमन कम्फर्टेबल के लिए पर्टिकुलर टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है, और उसके लिए हमें रेफ्रिजरेशन की आवश्यकता होगी। फिर कार, बस, रेल, वायुयान जो हैं उनमें भी हम देखते हैं एसी जो लगी होती है एयर कंडीशनिंग, तो उनके लिए भी हमें रेफ्रिजरेशन साइकिल की आवश्यकता होती है, रेफ्रिजरेशन की आवश्यकता होती है ताकि जो मानव है वो आराम महसूस कर सके। फिर नेक्स्ट है औद्योगिक क्षेत्र में, तो हम जानते हैं पेट्रोलियम रिफाइनरी है उसमें भी एक टेम्परेचर मेंटेन करना वहाँ पर होगा। वस्त्र निर्माण के लिए हम देखते हैं रेशा जो है उसका या छपाई के लिए, तो वहाँ भी हमें पर्टिकुलर एक टेम्परेचर की आवश्यकता होती है, इसीलिए हमें रेफ्रिजरेशन जो है ठंडी जो है जो जगहों का आवश्यकता होगी और उनके लिए हमें रेफ्रिजरेशन की आवश्यकता होगी। इस्पात निर्माण या रासायनिक पदार्थ के निर्माण में भी इसकी आवश्यकता होती है, तो औद्योगिक क्षेत्र में ये है। फिर बर्फ निर्माण में, तो हम देखते हैं बहुत सारे ऐसे दैनिक जीवन में आवश्यकता होती है जहाँ पर हमें बर्फ़ की आवश्यकता होती है, तो बर्फ़ के जो स्लैब्स बड़े बड़े बनते हैं आइस फैक्ट्री में, वहाँ भी हमें रेफ्रिजरेशन की आवश्यकता होगी। अनुसंधान जो है रिसर्च लेबोरेटरीज जो हैं प्रयोगशालाएँ उनके अंदर भी हमें रिसर्च करने के लिए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर चाहिएगा, तो वहाँ भी प्रशीतन जो है उसकी आवश्यकता होती है। और लास्ट है रॉकेट ईंधनों के उत्पादन में, तो उनके लिए हमें जो हाईली जो है एक्सप्लोजिव और जो ईंधन होते हैं तो उनके लिए हमें एक टेम्परेचर जो है लो टेम्परेचर मेंटेन करना होता है, तो वहाँ पर भी जो है प्रशीतन की आवश्यकता
होती हैं। तो इस तरीके से ये प्रशीतन के बहुत सारे उपयोग हैं अपने दैनिक जीवन में, और इन्हीं के लिए हम ये सब्जेक्ट पढ़ते हैं और हमें रेफ्रिजरेशन है उसकी जो है आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है निष्पादन गुणान, जो है कोफिशियंट ऑफ परफॉर्मेंस क्या होता है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हीट इंजन या कोई भी इंजन है तो उसके लिए हम एफिशिएंसी जो है दक्षता उसकी डिफाइन करते हैं, उसी प्रकार रेफ्रिजरेशन के लिए उसकी जो है वो कितना बेटर है दूसरे जो रेफ्रिजरेटर है उनसे, तो हम उसके लिए करते हैं निष्पादन गुणांक या कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस डिफाइन करते हैं। हमें यदि तुलनात्मक अध्ययन करना है दो रेफ्रिजरेटर का या दो भी कोई भी रेफ्रिजरेशन यूनिट्स का, तो उनके लिए हमें COP रेफ्रिजरेशन जो है निष्पादन गुणांक या कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस की आवश्यकता पड़ती है। जैसे कि दो इंजन की तुलना के लिए हमें दक्षता जो है एफिशिएंसी की आवश्यकता पड़ती है, यहाँ पर COP की आवश्यकता पड़ती है। तो COP होता क्या है, जैसा कि हम दक्षता में देखते हैं आउटपुट अपॉन इनपुट, आउटपुट हमें वर्क मिलता है इसलिए W डिवाइड बाय हम हीट सप्लाई कितना करते हैं Q, ये उसका जो है व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहाँ पे जो है COP वो डिफाइन करते हैं हमारा डिज़ायर इफेक्ट। तो डिज़ायर इफेक्ट हमारा क्या है, रेफ्रिजरेशन के अंदर हम क्या चाहते हैं, किसी भी स्थान को ठंडा करना, तो जो हमने डिज़ायर इफेक्ट हुआ ठंडा करना डिवाइड बाय उसके लिए हमें क्या कार्य इनपुट जो है वर्क इनपुट करना होगा वो डिवाइड में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा रेशियो ऑफ जो अपना डिज़ायर इफेक्ट डिवाइड बाय वर्क इनपुट। हम पढ़ते हैं इसमें किसी भी रेफ्रिजरेटिंग मशीन का कार्य होता है निम्न तापमान से उच्च तापमान की ओर ऊष्मा को निष्कासित करना। बार बार ये प्रोसेस होता रहेगा तो जो लो टेम्परेचर है एक स्थान पर मेंटेन होगा। किसी विशेष समय अंतराल में किसी रेफ्रिजरेटिंग मशीन के द्वारा निष्कासित जो है ऊष्मा, यानी कि जो प्रशीतन प्रोवाइड किया गया है उसके लिए डेल्टा क्यू हमने कितना वहाँ से एक्सट्रैक्ट किया है, वहाँ से निष्कासित किया है वो, या कितना एब्जॉर्व किया है डिवाइड बाय उसी समय अंतराल में आवश्यक ऊर्जा के अनुपात को उस मशीन का निष्पादन गुणांक या कोफिशियंट ऑफ परफॉर्मेंस कहते हैं। इसे प्राय COP से लिखते हैं। तो यहाँ पर ये दिखाया गया है COP इज इक्वल्स टू Q, यानी कि डिज़ायर इफेक्ट जो है कितनी हीट जो लो स्पेस रेफ्रिजरेटर स्पेस है वहाँ से हमने कितनी ली, क्यू हीट ली, और उस हीट को खींचने के लिए हमें जो कार्य जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी या मैकेनिकल फॉर्म में W वर्क जो है इनपुट देना पड़ा। तो COP इज इक्वल्स टू Q डिवाइड बाय W, हीट एब्जॉर्व या निष्कासित ऊष्मा या डिज़ायर इफेक्ट प्रशीतन प्रभाव बटा किया गया कार्य। COP ऑफ रेफ्रिजरेटर इक्वल्स टू प्रशीतन प्रभाव बटा किया गया कार्य। निष्पादन गुणांक जो है वो हीट पंप की जो दक्षता है एफिशिएंसी होती है जो हीट पंप की, उसका व्युत्क्रमानुपाती होता है। जैसा कि हमने देखा था उसकी दक्षता होती है कार्य अपन ऊष्मा हीट, या होगा ऊष्मा अपन W, और वो है हमेशा एक ज़्यादा होता है हीट पंप की जो है उससे हमेशा वैल्यू एक ज़्यादा, यानी हीट पंप की जो COP होगी वो हमेशा रेफ्रिजरेटर जो है उसकी COP से एक अधिक होगी, जिसका हम अगली क्लासों में डिटेल में जो है पढ़ेंगे। तो इस तरीके से आज हमने तीन चीज़ें जो सीखी, इसमें इंट्रोडक्शन रेफ्रिजरेशन है क्या उसकी डेफिनेशन जानी, उसके साथ साथ हमने यह पढ़ा कि जो है उसके अनुप्रयोग एप्लीकेशंस ऑफ जो है रेफ्रिजरेशन का कहाँ कहाँ यूज़ होता है, और लास्ट हमने देखा निष्पादन गुणांक या कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस वो होता है हमेशा डिज़ायर इफेक्ट प्रशीतन प्रभाव डिवाइड बाय किया गया कार्य। नेक्स्ट क्लास में हम जो है हीट पंप और रेफ्रिजरेटर किस तरीके से हीट इंजन से पृथक हैं उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। धन्यवाद।